वर्ल्ड कप 2011 की विजेता भारतीय टीम का स्कोर कार्ड हो या 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सिर आईपीएल का ताज रखने वाले सूत्रधार, हर जगह गौतम बड़ी गंभीर भूमिका में दिखाई दिए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की उपलब्धियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जितनी चर्चा की जाए उतना कम है, जिसके फलस्वरूप उन्हें पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच का प्रबल दावेदार बना दिया और बाद में इस पद पर काबिज भी कर दिया। गंभीर से पहले इस पद के साथ लगी कुर्सी पर राहुल द्रविड़ ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। राहुल द्रविड़, जिन्होंने दशकों तक न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर भी राज किया और जाते जाते भारत को T20 वर्ल्ड कप का शानदार तोहफा थमा दिया, अब उनके जाने के बाद गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बन रहे हैं। ये उस दौर की याद दिला रहा है जिस दौर में द्रविड़ के बाद दीवार के तौर पर गंभीर को ही देखा जाता था। चलिए कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। याद करिए न्यूजीलैंड के उस मैदान में जब न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 619 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसके बाद उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पहली इनिंग में महज 305 रन पर ऑल आउट हो गई। फॉलो ऑन करते हुए भारतीय टीम की दूसरी इनिंग शुरू हुई तो गंभीर ने मोर्चा संभाला और 436 गेंदों का सामना करते हुए 137 रन बना डाले। इस पारी के दौरान गंभीर 11 घंटे तक पिच पर खड़े रहे। मैच भले ही भारत के पाले में नहीं आया, लेकिन इस दिग्गज खिलाड़ी ने मैच को न्यूजीलैंड को भी नहीं सौंपा। आखिर में मैच भारत के हाथ से छिटकने से बचा और ड्रॉ हो गया। इस पारी के बाद से ही उन्हें भारत की नई दीवार कहा जाने लगा। वैसे तो 2000 की शुरुआत से ही दिल्ली से छपने वाले अखबारों में गंभीर का नाम दिखाई देने लगा था, लेकिन 2003 आते आते ये नाम भारतीय जर्सी पर भी छप गया। अप्रैल के महीने में बांग्लादेश के खिलाफ उतरी भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने वाले गौतम गंभीर महज 11 रनों की पारी ही खेल सके, लेकिन कभी हार ना मानने वाले अंदाज से ही पता लग गया था कि ये सफ़र यहाँ तो नहीं थमने वाला। साल बदला तो गंभीर की जर्सी का रंग भी बदला। 2004 के नवंबर महीने में वो पहली बार भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट खेलने उतरे। पहले मैच में गंभीर कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन बाद में गंभीर का बल्ला ऐसा चला कि कई रिकॉर्ड बना गया। बता दें कि टेस्ट मैच में गंभीर के नाम लगातार 5 मुकाबलों में शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है। उनके अलावा कोई और भारतीय ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर सका है, जिसके बाद कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम एक सुरक्षित हाथों में। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।